So now we are going to start our problem number 6 and uh, this question it is on convex set. Huh? Question me put which of the following subsets of R2 are convex. Hmm. फोर सबसेट्स गिवन है एंड यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गोइंग टू बी कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स सेट का टर्म जो है ये आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम करने के लिए देखो बेसिकली अगर हम लोग आर्ट टू के ऊपर डील करते हैं तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस तो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर सपोज एक सेट है ओके ई इज दिस बाउंडेड रीजियन ई दैट इज ई सबसेट ऑफ आर्ट टू And we call this E as convex. E is convex, convex subset of R2 if for all x1, x2 belongs to this set E, if we have lambda x1 plus 1 minus lambda x2. दिस बिलोंग्स टू ई देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर सेट एज कॉन्वेक्स ऑफ सेट ऑफ आर टू ऑब्वियसली जीरो लेसर इक्वल्स टू लैमडा लेसर इक्वल्स टू वन बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग यू हुआ कि एक्स वन एंड एक्स टू कोई भी दो पॉइंट आप ई से पिक कर लो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूँ कि सपोज ये एक्स वन हो गया एंड दिस वन इज एक्स टू तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स बेसिकली डिनोटेड बाई दिस है न तो लैमडा की वैल्यू जीरो एंड वन के बीच आप कोई भी वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू विच इज नथिंग बट पॉइंट ऑन दिस लाइन ओके है ना तो ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स शुड ऑल्सो लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सेट देन यू कॉल दैट पर्टिकुलर सेट एज कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ आर टू ओके तो यह गया आपका कॉन्वेक्स सेट का एक डेफिनेशन एंड एक फॉर्मल आइडिया आप कह सकते हो इसी तरह अगर आप बात करो इस सेट का तो ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं बेसिकली इसका आंसर होगा ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है क्योंकि यहाँ से अगर आप एक पॉइंट लेते हो x1 वन एंड यहाँ से एक पॉइंट पिक करते हो कि x2 टू देन देयर लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट विल नॉट लाई ऑन दैट सेट है ना तो इसीलिए ये जो सेट है दिस इज नॉट कॉन्वेक्स तो यही आइडिया हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन की सोल्यूशन के ऊपर तो वन बाई वन हम लोग प्रोसीड करते हैं ओके तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सेट है एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स लेसर इक्वल्स टू आई थिंक फाइव एंड मॉड वाई लेसर इक्वल्स टू टेन ओके तो ये अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो x जिस रेंज पे आएगा माइनस फाइव लेसर इक्वल्स टू तो एक्स लेसर इक्वल्स टू तो फाइव दैट इज इस रेंज में मान के चलो ओके एंड y का जो रेंज आएगा टेन से माइनस टेन के बीच तो ये ओके इसको थोड़ा लंबा खींच दो तो कुछ इस तरह एक रीजन आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर एक रीजन मिलेगा ये ओके क्लियरली अगर आप कोई भी पॉइंट कोई भी दो पॉइंट यहाँ से पिक करते हो इस रेक्टेंगुलर रीजियन से एंड दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन श्योरली लाई ऑन दैट सेट ओके तो इसीलिए ये जो है ये कॉन्वेक्स हो जाएगा हुँ? आप कोई भी दो पॉइंट पिक करो हुँ? इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट विल ऑल्सो लाई ऑन दैट सेट सो इस तरह ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा करेक्ट अभी हम लोग सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन में जो रीजन गिवन है वो रीजन है दिस वन दिस वन तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है एक सर्कल हो रहा है विद रेडियस वन एंड सेंटर एट जीरो जीरो बेसिकली ये सर्कल हो गया सर्कल hmm. का जो बाउंड्री है बाउंड्री की बात कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन में तो बाउंड्री ये ऑब्वियस एक फैक्ट है अगर आप बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट पिक करो हाँ एंड सपोज यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ से और एक पॉइंट लेता हूँ ओके okay, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट ये है लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट इस सेट के ऊपर लाइन ही कर रहा है है ना क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट आउटसाइड लाइन कर रहा है ये सेट बेसिकली क्या इंप्लाई कर रहा है कि बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल सो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा सेकेंड कॉन्वेक्स नहीं होगा फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स अभी थर्ड के लिए अगर आप देखोगे तो ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए आपको ये पोर्शन मिलेगा है ना एंड ये जो इनिक्वालिटी है तो इसके लिए आपको ये जो अपर वाला पोर्शन मिलेगा करेक्ट तो सिंपली आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एंड ईजिलीली यू विल गेट योर आंसर तो देखो क्लियरली आप कोई भी दो पॉइंट यहाँ से पिक करो तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इस रीजन के अंदर आएगा ही सपोज़ ये एक पॉइंट लिया दूसरी पॉइंट यहाँ से लिया तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इसके ऊपर लाई कर रहा है इस सेट के अंदर तो ये थर्ड में हो गया बट फोर्थ में जो आएगा फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो फोर्थ वाला ग्राफ कुछ इस तरह होगा यही सेम चीज़ ओके, okay, बट यहाँ पे रीजियन जो है उल्टा साइड में है इस साइड में ओके okay, तो अगर आप दो पॉइंट इस तरह पिक करते हो कि सपोज यहां से एक पॉइंट पिक कर लिया और एक पॉइंट यहाँ से पिक कर लिया दैट इज योर एक्स वन एंड दिस इज योर एक्स टू सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट डजेंट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सेट है ना तो so इसीलिए ये जो है कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा सो फोर्थ वन ये कॉन्वेक्स नहीं होगा सी जो है कॉन्वेक्स हो जाएगा बी कॉन्वेक्स नहीं होगा ए कॉन्वेक्स होगा ओके okay? तो इसी तरह आप इजीली बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको इजीली टैकल कर पाओगे एग्जाम हॉल में ओके okay? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो इसको शेयर करो एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को ओके okay? तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय